गाजियाबाद के थाना कोशाम्बी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कोशाम्बी में पुलिस टीम द्वारा 11 सितंबर को थाना कोशाम्बी पर मुकदमा संगीन धाराओं में पंजीकृत किया गया व दो अभियुक्त को हत्या की साजिश रचने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कल शाम को देव सिनेमा के पास कोशाम्बी थाना क्षेत्र में हासिम नाम के एक युवक को गोली मारी गई थी। उसका कोशाम्बी पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें ज्ञात हुआ है कि हासिम ने एक उसी के मोहल्ले का रहने वाला नवाब है, जिसको कुछ दिनों पहले मारा था। उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए नवाब ओवैस और यासिन ने दो युवतियाँ जो कल मूवी देखने आई थी उनके साथ मिलकर इस घटना को प्लान किया था और उन युवतियों को योजनाबद्ध तरीके से फिल्म देखने के लिए यहाँ भेजा था। इन युवतियों ने फ़ोन करके हासिम को बुलाया था, फिर वहाँ पर यासिन और ओवैस ने उसे गोली मार दी और गोली मार के फरार हो गए थे। दो अभियुक्त जो महिला अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, बाकी अन्य अभियुक्तों के लिए लगातार कोशिश जारी है।